हेलो वाइज आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जिग जैग मोडिफायर को और इस मोडिफायर का यूज करके हम कुछ इस तरीके की एक स्नैक वाली एनिमेशन क्रिएट करेंगे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसका फिल यहाँ पे मैंने नन रखा हुआ है और स्ट्रोक को मैं करता हूँ प्योर ब्लैक ओके और इसकी ब्रिथ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ समथिंग ट्वेंटी उसके बाद इस शेप लेयर की प्रॉपर्टीज में आएंगे और यहाँ से हम जिग जेग मोडिफायर एड करेंगे इस जिग जेग का यूज करके आप कुछ वेब टाइप्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सपोज आपको यहाँ पे एक सी दिखाना है या फिर आपको यहाँ पे कोई बोर्ड दिखानी है उसके साथ आपको कुछ वेब्स वाटर में दिखानी है उस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं प्रोसेस सेम ही रहेगा बस आपको क्रिएटिवली उसको यूज करना है अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग ठीक है तो मैंने यहाँ पे जिग जैग मोडिफायर एड किया उसके बाद यहाँ पे मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कुछ इतना उसके बाद मैं points को यहाँ पे कर देता स्मूथ ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से इसने प्रॉपर कर्व में पे पे कर दिया है उसके बाद मैं स्ट्रोक वैल्यू में जाता हूँ और स्ट्रोक वैल्यू में मैं बट कैप को यहाँ पे राउंड कैप करता हूँ तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ पे वेव टाइप का इफेक्ट आपको दे रहा है सपोज अगर आपको वेव क्रिएट करनी है तो इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा और या और उसके बाद में यहाँ पे ऐड करता हूँ एक ट्रिम पाथ और ट्रिम पाथ में मैं इसकी स्टार्ट वैल्यू को करता हूँ कुछ मैंने इसको यहाँ पे थर्टी एट रखा है और अब मैं क्या करूंगा कि एक रूलर रखूंगा मैं इसके बैक साइड में और मैं इसकी बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा थो चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझको यहाँ पे रूलरस दिखाई देते रहे ठीक है मैंने एक रूलर रखा है इसके पीछे और और अब क्या करूंगा कि मैं इसके ऑप सेट पे एक की फ्रेम लगाऊंगा उसके बाद मैं इस लेयर की पोजीशन को ओपन करूंगा और उस पर भी एक की फ्रेम लगाऊंगा मैं यू प्रेस करके इन दोनों की फ्रेम्स को यहाँ पे ओपन कर लेता हूं उसके बाद मैं लगभग दो सेकेंड्स पे जाऊँगा और इसके ऑप सेट को मैं कुछ इस तरीके से मैनेज करूंगा मैं इसको माइनस में ले जा रहा हूँ अगर मैं इसको प्लस में लेके जाऊंगा तो ये बैक साइड में मूव करेगा जबकि मुझको इसको आगे की तरफ मूव करना है तो मैं इसको माइनस में लेके जाऊँगा ओके अब आपको ये आगे कहाँ तक लेके जाना है तो उसके लिए एक चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान रखनी है मैंने यहाँ पे एक गाइड लिया था और एक गाइड मैंने यहाँ पे लिया था तो जब ये इस तरीके से एनिमेट होता हुआ जाएगा और ये लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे पहुंचेगा जहाँ पे हमने दूसरा की फ्रेम अभी लगाया हुआ है हमने जहां पर ये गाइड सेट की थी अब हम क्या करेंगे अपनी पोजिशन को एडिट करके अपने इस ऑब्जेक्ट को उसी ही पोजिशन पर सेट कर देंगे जहां पर कि ये फर्स्ट फ्रेम पे था मीन्स फर्स्ट फ्रेम पे हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है और जब हमने इसको ऑफसेट पे एनिमेट किया तो ये मूव करके आगे जा चुका है अब हम क्या करेंगे पोजिशन पे इसको फिर से वापस लेके आएंगे कुछ इतना अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है हमारे पास यहाँ पे दो की फ्रेम्स हैं एक जहां से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा जहां पे एंड हो रहा है अब हम क्या करेंगे इसको लूप यहाँ पे एक क्रिएट करेंगे उसको बनाने के लिए एक चीज हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है वो ये कि जो ये हमारा लास्ट वाला की फ्रेम है इस पे हमको अपने इस ऑब्जेक्ट की पोजिशन कुछ इस तरीके से रखनी है कि जब ये मूव करके फर्स्ट फ्रेम पे जाए अगेन यहां पे, ठीक है तो ऐसा लगना चाहिए कि आगे मूव किया मीन्स ये जो अभी हमारे फर्स्ट की फ्रेम पे इसकी पोजिशन है हमको इस पोजिशन से पीछे ही रखना है मीन्स अगर हमारा यहां तक ये स्ट्रोक आ रहा है तो हमको इस लास्ट पॉइंट पे उसके पीछे ही रखना है ठीक है और अब हम क्या करेंगे इनमें हमको लूप एक्सप्रेशन ऐड करना है उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन स्टॉप बाच वाले आइकन्स पे क्लिक करते हैं मैंने सपोज सबसे पहले पोजीशन के स्टॉप बाच पे क्लिक किया और यहाँ पे फिर मैं इस बटन पे जाके प्रॉपर्टी में जाऊंगा और प्रॉपर्टी में जाके मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है लूप आउट टाइम के फर्स्ट पॉइंट से एंड की तरफ मूव कर रहे तो हमको यहाँ पे लूप आउट यूज करना होता है और अगर हम अपने टाइम के एंड पॉइंट से फ्रंट की तरफ आ रहे हैं तो लूप इन का यूज हम करते हैं तो अभी मैंने लूप आउट यहाँ पे सेलेक्ट किया है सेम हम ऑफ के साथ भी करेंगे अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ठीक है तो इस तरीके से आप कुछ बेब्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अब इस ही सेब का यूज करके हम यहाँ पे एक स्नैक डिजाइन करेंगे उसके लिए हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है हमने जाना है यहाँ पे स्ट्रोक में और स्ट्रोक में जाके हमको जाना है टेपर में और टेपर में हमको यहाँ पे एंड लेंथ को थोड़ा सा टेपर करना है कुछ इतना ओके उसके बाद हम इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करेंगे और इसमें मैं स्ट्रोक इस का जो कलर रखूंगा वो कुछ रखूंगा वाइट ओके अब मैं इसका बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं तो so, मैंने इस ऊपर वाली लेयर का जो स्ट्रोक साइज था वो कर दिया मैंने समथिंग फिफ्टीन और यहां पे मैं शेप में जाऊंगा और शेप में जाने के बाद मुझे स्ट्रोक में जाना है और स्ट्रोक में जाके मुझको यहाँ पे डेसेस ऐड करने हैं अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये डैसेज काफ़ी बड़े बड़े हैं वो उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे राउंड कैप यूज़ किया हुआ है हम इसको बट कैप कर देंगे तो अभी इसका साइज थोड़ा सा कम हो चुका है और फिर उसके बाद हमको यहाँ पे डैसेस का साइज़ भी थोड़ा सा कम कर देना है और मैं प्लस आइकन पर अगर एक बार और क्लिक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे गैप वैल्यू भी आ जाएगी मैं गैप यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इतना और अब अगर मैं आपको ये प्ले करके दिखाऊं तो so, बड़े ही आसान तरीके से हमने ये एनिमेशन क्रिएट कर ली है आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा सो so, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेकर आते रहें